शाहरुख खान बॉलीवुड के किंग खान ने एक बार फिर से अपनी फाइनेंशियल सक्सेस से सबको हैरान कर दिया है। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024 में उनका नाम आने के बाद उनकी नेटवर्थ 7,300 करोड़ से भी ज्यादा की हो गई है। ये सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि उनकी बिजनेस एक्यूमेन का भी एक नया सबूत है। SRK ने अपने करियर में सिर्फ बॉलीवुड में नहीं बल्कि IPL टीम, कोलकाता नाइट राइडर्स, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मल्टीपल एंडोर्समेंट से भी अपनी वेल्थ को एक्सपैंड किया है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे उन्होंने अपनी टैलेंट और बिजनेस स्किल्स के जरिए अपने आप को एक फाइनेंशियल जायंट बना दिया। आपको याद होगा जब SRK ने अपनी IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ एक नई जर्नी शुरू की थी, तब काफी लोगों ने इस वेंचर को रिस्क माना था, लेकिन आज ये टीम उनके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने भी उनको प्रोडक्शन के फील्ड में एक सॉलिड फुटिंग दी। क्या आपको लगता है कि SRK का ये बिजनेस एम्पायर अभी और भी बढ़ने वाला है? क्या SRK अपने बिजनेस मूव से बॉलीवुड में नए रिकॉर्ड्स बनाएंगे? अगर हम SRK की फाइनेंशियल सक्सेस को देखें तो ये सिर्फ उनकी हार्ड वर्क और डेडिकेशन का ही परिणाम नहीं बल्कि उनके बिजनेस के लिए एक यूनिक सोच का भी प्रूफ है। आज के टाइम में जब बॉलीवुड के कई बड़े स्टार स्ट्रगल कर रहे हैं, SRK ने अपने इन्वेस्टमेंट्स और स्मार्ट डिसीजन से अपने लिए एक अलग ही रास्ता बनाया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या SRK का ये वेल्थ एम्पायर उन्हें और भी आगे ले जाएगा? क्या आपको लगता है कि उनकी पॉपुलैरिटी और बिजनेस सेंस मिलके उनके लिए नए दरवाजे खोलेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या SRK अपने फैंस के लिए कुछ और एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स लाने वाले हैं? आपके क्या विचार हैं? क्या SRK अपनी बिजनेस जर्नी के जरिए बॉलीवुड में एक नए ट्रेंड को सेट कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि वो सिर्फ एक सक्सेसफुल एक्टर ही नहीं बल्कि एक विजनरी बिजनेसमैन भी है? कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें और हमें बताएं कि आप SRK के कौन से बिजनेस मूव को सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल मानते हैं।